इस so, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ राइट right, जो कॉस्ट है कंप्यूटिंग uh, पावर का उसके साथ किस तरह का चेंज आया है राइट right? यानी जैसे जैसे हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को uh, के साथ हमने प्रोग्रेस किया है तो जो कंप्यूटिंग पावर है उसके लिए हमें किस तरह से कॉस्ट uh, जो है हमें पे करना पड़ा है यानी कोर्स ऑफ अ टाइम राइट सो ये हमें फाइंड आउट करना है विद ऑल दर बिन गिवेन टू अस So, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मूर्स लॉ क्या है राइट सो देर वॉज अ साइंटिस्ट और वी कैन से देर वॉज एन देर वॉज एन इंजीनियर राइट जो कि एंटल के को फाउंडर थे राइट right? एंटल जो कि प्रोसेसर्स बनाती है माइक्रो बनाती है तो उनके को फाउंडर थे गॉर्डन ई मूर राइट गॉर्डन ई मूर गॉर्डन ई मूर ने मूर्स लॉ दिया था राइट अब अस ट्राइ एंड अंडरस्टैंड कि ये मूर्स लॉ होता क्या है राइट तो मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग राइट ये लॉ कहती है कि द प्रोसेसर स्पीड ओके द प्रोसेसर स्पीड ओके और The overall per, uh, processing, overall processing okay, uh, power of the computer, okay, uh, the processor speed or the overall processing power of the computers will double about every 18 months. राइट right, तो इन्होंने बोला कि इट विल डबल अबाउट एवरी एटीन मंथ्स राइट तो एक तरह का इन्होंने एक प्रडिक्शन किया और उन्होंने बताया कि हर अट्ठारह महीने में यानी कि हर डेढ़ साल में जो कंप्यूटर्स आज हमारे पास हैं राइट right, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड या जो उनकी ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर है या कैपेसिटी है वह डबल हो जाएगी राइट ये एक प्रोडिक्शन उन्होंने किया कि जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और उस समय 1970 में ये लॉ उन्होंने 1970 में दिया था तो उस समय ही उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अबाउट एवरी एटीन मंथ्स हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या जो ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर है वो डबल हो जाएगी राइट और ये हम देख भी रहे हैं कि दिस इज ट्रू सिंस 1970 राइट और अभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो प्राइस है राइट right, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं द प्राइस दैट वी आर पेइंग ओके फॉर आवर कंप्यूटिंग स्पीड ओके वो भी बहुत ड्रामेटिकली रिड्यूज हुआ है या आप ये कह सकते हैं कि ड्रामेटिकली uh, रिड्यूज या फिर फ्लक्चुएट हुआ है राइट right? इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 1990 की तो 1990 में जो आप एक नॉर्मल पीसी खरीदते थे एक नॉर्मल पीसी जो आप घर पे लेके आते थे पर्सनल कंप्यूटर राइट वो आपको नियर अबाउट टू लैक्स टू पॉइंट फाइव लैक्स या फिर आप थ्री uh, लैक्स के अराउंड आपको पे करना पड़ता था राइट right? एक ठीक ठाक पीसी अगर आपको लेना होता था तो आपको इतना इतनी कॉस्टिंग आपको लगती थी और आज के टाइम पे अगर आप इतने पैसे स्पेंड uh, करो राइट टू परचेज अ पीसी सो उस समय के पीसी के अकॉर्डिंगली टूडेज uh, आज का जो दो या तीन लाख uh, रुपए का जो पीसी है वो उस समय के नाइनटीन uh, नाइन्टी के पीसी के कंपैरिजन में एटलीस्ट हंड्रेड टाइम्स ज्यादा पावरफुल है राइट right? सो so हमने कंप्यूटिंग पावर के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट किया बट जो हमारा कॉस्ट है वो हम काफी रिड्यूस कर चुके हैं राइट right? सो दिस इज दूर्स लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम इस लॉ को ध्यान में रखें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे uh, इस क्वेश्चन का तो स्टेट द सेम तो बिल्कुल भी नहीं राइट चेंज प्रपोर्सनली विथ इकोनॉमी नो राइट बहुत ही ज्यादा चेंज आया है तो देर इज नो प्रपोर्सनैलिटी हेयर इंक्रीज तो नहीं राइट फ्लक्चुएटेड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर राइट सो so, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया है ये हम कह सकते हैं सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन राइट आई होप दिस इज क्लियर टू यू थैंक यू क्लास 6 से 12 तक नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर